दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं भास्कानंद जोशी ब्लॉग। और सुबह का उस समय है और बहुत ही सुंदर धूप निकली हुई है और हमारे बाड़ों में जो गिरी हुई है बहुत तो ज्यादा। सामने बाड़ों में देखा जाए तो तुषार जो होता है वो बहुत ज्यादा, और ये दीवार में भी पूरे तुषार ही तुषार। तो आज पीछे जा रहे हैं उड़द, और आज हमारे वहां थोड़ा सा पूजा है, रोड बेट चढ़ा रहे हैं, तो इसके बनाए जाएंगे बड़। इसमें बनाया जा रहा है बटू भैरव देवता का प्रसाद, रोड हो गए और कान भोलानाथ जी के कान के कुंडल हो गए, और दारिम के फूल हो गए, गणेश जी के मोदक हो गए, और ये देखिए इधर खजूरे बन रहे हैं। ये जो है इससे मैं है सूजी भिगा रखी है, बनाए जाएंगे पुए और फिर की जाएगी घर में थोड़ी सी पूजा। तो दोस्तों आज रोड भेंट चढ़ाई जा रही है, भोलानाथ जी की पूजा होगी और कुछ देर बाद प्रसादी भी रखी जाएगी और पूजा पाठ की जाएगी। सो गाइज, अभी सुबह का समय है और घर में सभी लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और हमारा हेलो गाइज अभी उठे नहीं है। बासु उठो, तो अभी वो अपनी एक झलक बच्चा हुआ है। मस्त है। अच्छा, तो सामने हमारे चाचा जी आ रहे हैं पूजा कराने के लिए, शास्त्री जी। अभी बुड्ढे हो गए देखिए, अभी वो कुछ कमर हमर लटका के। ऐ गजब चाचा, नमस्कार, आइए, आपका स्वागत है। तो शास्त्री जी आ रहे हैं पूजा कराने के लिए और कुछ लेट आ रहे हैं आज वो। सो गाइस, आज पूजा है और चाचा बन ठन रहे हैं। बहुत समय बाद मंदिर में बैठेंगे और भोलानाथ जी की तो पूजा दो पुष्प ले जाते हैं भगवान के लिए, और तो तोड़ रखे ना। हाँ। अपने हाथों से भी एक दो तोड़ लेते हैं। दोस्तों भोलानाथ जी का जो प्रसाद है, रोड भेंट पुए बड़े और गणेश जी के मोदक प्रसादी हलवा और सूजी आदि सब तैयार है। ये पुष्प है, वो भोलानाथ जी की धुनी है, ये हमारे घर का मंदिर है। यहाँ देखो बासु, मंदिर गुलदीपता के मंदिर की ओर, और सामने गुलदीपता का मंदिर है। और अभी हमने और हमारी चाची जी भी आ गई। चाची नमस्कार, आइए विराजिए। और हमारी दीक्षा दीदी कुछ ले जा रही है हाथ में मिर्च। तो ले जा रही है। तो आज का जो सफर है वो है सोमेश्वर मार्केट की ओर, और वहाँ हमारे भाई ने खोल रखी है एक दुकान। देख के आते हैं कि कैसी दुकान खुली है, और जब हम जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि वो दुकान किस किस चीज की। तो आज सोमेश्वर में हमारे छोटे भाई आरजे सोमेश्वर प्रिंटिंग प्रेस वाले राहुल ने अपनी दुकान का शुभारंभ किया है, नई दुकान का। तो हम यहाँ जाते हैं, तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और सुनाइए। चलो ये देखिए, बहुत सुंदर दुकान खोली है इन्होंने, तो इनको हार्दिक बधाई। और तो कैसा चल रहा सर अभी? बढ़िया चल रहा है ब्रो। चलो अभी भाई लोग सब आए थे, मैंने देखे। आज भास्कर दा फिर से बाजार आए और सभी मित्र लोगों से मिलते हुए आज हमारे दुकान में, आज ओपनिंग थी तो आज खासकर हमसे ही मिलने आए थे। बाकी
जो हमारी दुकान है वो हल्द्वानी बस स्टैंड के ठीक सामने है, जहाँ आपको सभी प्रकार की डिजिटल सेवाएं मिल जाएंगी, फोटो फ्रेमिंग, शादी कार्ड प्रिंट, सारा कुछ, गिफ्ट वगैरह, घड़ियाँ वगैरह, तरह तरह की घड़ियाँ भी मिल जाएंगी, टेडी बियर। और ये आरजे वालों की ये दूसरी दुकान है सोमेश्वर में, तो अभी हम यहाँ भी पहुँच गए हैं। तो ये है छोटे भाई हमारे आयुष्मान, तो ये देखिए कितनी सुंदर दुकान चला रखी है, और छोटे भाई ने यहाँ और बड़े भाई की दुकान का आज हुआ उद्घाटन, बहुत ही सुंदर यहाँ तो एक से एक गुड यार, आनंद आ गया। क्या है ये? अरे आ रहे हैं ना। क्या क्या आ रहा है? जल्दी आ रहे हैं। अच्छा वैलेंटाइन डे आ रहा है सुनने में तभी। और ये वाह यार क्या क्या रख दिया ये, और हमें भी कुछ गिफ्ट दे देना यार पुतिन। ठीक है ठीक है, और क्या दादा कोई दे देना है। बच्चे बैठ गए हैं झूले में और बहुत से बच्चे आ रहे हैं, और अभी इसमें जेल में जो पैसेंजर है ये लोग बैठ जाएंगे तो ये चलेगा। तो ओके सही हो रहा, तो बच्चे खुश हैं एकदम। आज मेले में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चहल पहल का माहौल बना हुआ है, और यहाँ जो दुकानें भी खुली हैं बहुत सी। बच्चे आ गए हैं झूला झूल के, कैसा लगा बच्चों? अच्छा और वो कहाँ है बासु? अभी नहीं आए हो? ये आ रहे हैं। हेलो गाइज कैसा लगा? तो आज आनंद आया। तो दोस्तों एक यहाँ से ले लिए पायजामा, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी दुकान है ये भी। तो अब आगे का देखते हैं कि क्या क्या लिया जाए। अभी हमारी बिटिया हमारे साथ है, अभी वो भी कुछ लेने की सोच रही है। तो बेटा आप क्या लेना चाह रहे हैं? तो अभी कुछ और देखेंगे और उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ घर की सेल 300 की, और बहुत अच्छी दुकान। यहाँ मेला लगा है और देखिए यहाँ रजाई कंबल मिल रहे हैं, यहाँ भी यही है, सभी लोग सब यहाँ हैं। और यहाँ को भी ऐसा ही है, बॉब वाला बैग, बॉब वाला बैग दिख रहा है सभी को किसी की पीठ में। और गाइस वहाँ कोलंबस चल रहा है, यहाँ को ऐसा है सब चीज माहौल देखिए। तो दोस्तों सोमेश्वर में आज हमारी भाभी जी और हमारी बिटिया सोनिया और ये आ रहे हैं गुड़गांव से। तो क्या लाए हमारे लिए? आपके लिए सब कुछ लाए, हमारे घर आज लाएंगे आपको। क्या खिलाएंगे? सब कुछ खिलाएंगे। क्या लाए? लड्डू पेड़ा, लड्डू पेड़ा लाए, दूध के लड्डू लाए हैं। अच्छा चलो खाओ। तो भाभी जी आए तो आनंद आ गया, इनसे भी मुलाकात होगी आज। और वहां से मैंने एक लिप पैजामा, क्या कहते हैं लोअर, तो लोअर कुछ बड़ी बहुत सुंदर और मोटी भी है, तो ठंड से बचाव होगी। और कंपनी देखिए BMW, कंपनी BMW की गाड़ी होती है। अब ये पैजामा बच्चों के लिए कुछ खेल करने की हम वो लाए थे खिलौने। बेटा कैसे लगे आप लोगों को? इधर देख के बता दो निधि, बत्तू बत्तू बता बेटी कैसे लगे? अच्छे। निधि इधर को दे, तूने देखा तू बोली नहीं, अब बोल कैसे लगे? वाह ये तो बच्चों की मैंने ABCD लिख दी, और इससे अपना नाम भी लिखना है। ठीक है ओके पन्ना, हाँ नाम के लिए उतने नहीं है। कोई बात नहीं, तेरा नाम तो आई जा रहा होगा। हाँ, तो सच्ची सच्ची इधर। तो सामने बच्चों की हो रही है मस्ती, ये देखिए। तो सामने देखा जाए तो ये देखिए कैसे झूल रहे हैं खतरों के खिलाड़ी। चलो खतरों के खिलाड़ी चालू हो जाओ। तो ये देखिए, एक अगर ये टूट गया रस्सी तो आनंद आ जाएगा। बच्चों आप क्या कर रहे हैं? कौन सा खेल है बेटा? अच्छा चलो विश विश क्या है, जल्दी करो जल्दी करो, कुछ ना कुछ कर। क्या होते हैं? काश हमारे पास खिलौने होते तो अभी यहाँ पर कोई खिलौने वाले आएंगे और उन्होंने खिलौने दे, बहुत ही खिलौने मिल गए।